एक प्यारा सा गाना कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, क्योंकि ये ऐसे ही चलता रहा कि कोई भरोसा नहीं किसी का। आइए हसन भाई, आइए दो मिनट के। हाँ भाई, इससे ही मैसेज जब सुपर दूल्हा दुल्हन का वेट पे तभी तो आपको सुना जा रहा है। फिर दूल्हा दुल्हन आ रही है, फिर कौन सुनेगा हमको? मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सीमा जी के लिए। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाए सौरभ के लिए और सीमा जी से के लिए कहें, उनको शुभकामनाएं के लिए, और थोड़ा मेरी भी तारीफ कर दें। जिंदगी क्या है, मैं मेरी तारीफ सामने वाला करे तो मुझे अच्छा लगता है, कोई करता नहीं है तो क्या करूं। याद दिलाता हूं, करिए प्लीज। सम्मानो जी, जोरदार तालियां। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपको किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है, आपकी सभी लोग मेरे ख्याल से दिल से आपको मानते हैं, और आपके टैलेंट को किसी की वो जरूरत नहीं है कि आप मुंह से बताएं कि कितने टैलेंटेड है सुनील पाल जी। इन्होंने अपनी अपना टैलेंट का प्रमाण आज ही दिया है, हमेशा हर मंच पर देते आए हैं। आई थिंक आई हैव डन लाइक सो मेनी शोज विद हिम, आई थिंक न्यूमरस शोज विद हिम, और कमाल के परफॉर्मर है, वी ऑल नो। अब इसके बाद इनकी तो फिल्म में मैंने काम किया था, भावनाओं को समझो, पता नहीं क्यों इन्होंने मेरे पर ही रखा था क्या, संभावनाओं को समझो, इन्होंने पैसे कम दिए थे मुझे याद आ रहा है। तो ये अपना जो कहते हैं ना, अपने नाम का और अपने उसका रुतबे का फायदा उठाते हैं, अच्छे आर्टिस्ट को बुक करके पैसा कम देते हैं, ये हमारे लोगों की खासियत है। बट ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इनको मिलती हूँ, जब भी इनके साथ काम करती हूँ। ये रहे पीछे एक और हमारे साथ, कहाँ है एहसान जी, मतलब इनके साथ तो बिग बॉस ही किया, हमारी जोड़ी सबको याद होगा। अरे हमारी जोड़ी बन गई थी ना, हाँ बताओ, लोगों को ये भी लगने लग गया था कि कुछ तो है, हैं? बिग बॉस, हमने जो किया था वो बिग बॉस किया था, इनकी नई फिल्म आ रही है बिग बॉस। संभावना आप भावनाओं को समझो की हीरोइन है, और बिग बॉस आगे आ जाओ ये बिग बॉस की हीरोइन है, दोनों फिल्म की एक एक हीरोइन है। तो ये संभावना सेठ है भैया, इनसे बहुत संभावना है। ये जो है फिल्म संभावना, सॉरी बिग बॉस की हीरोइन है, ये हीरोइन है, और मैं इसके साथ तंबाकू हीरोइन है, तंबाकू बहुत ही अच्छा रोल किया है, जोरदार तालियां।
सबीना खान। अब एक और खान की इंटरव्यू जा रही है, असमर जी प्लीज। क्योंकि सुनील जी ने मुझे बोला था कि सिर्फ उनकी तारीफ से शुरुआत करना, लेकिन आगे आज जिनका खास दिन है उनके लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगी। सीमा इज नॉट हियर राइट नाउ, अभी आती होंगी, सौरभ आते होंगे। सौरभ से मेरी ख्याल से 5 मिनट की मुलाकात हुई है मेरी, और जो 5 मिनट की मुलाकात में जो समझ में आया मुझे वो इंसान, आई थिंक सीमा का बहुत ही करेक्ट डिसीजन लाइफ का सौरभ है, और मुझे बहुत ही अच्छे इंसान लगे वो। और मुझे इतनी खुशी है कि आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ हार्ड वर्क, इतनी सारी फिल्मों में काम किया, और मैं जानती हूँ एज एन आइटम परफॉर्मर, एज ए डांसर, मैं जानती हूँ कि कितनी मेहनत लगती है और कितनी दिक्कतें आती हैं जब हम लोग एक डांस परफॉर्म करते हैं। लोगों को सिर्फ एक ग्लैमर दिखता है, लेकिन हमको पता है कि उसके पीछे की मेहनत क्या होती है। तो सीमा ने वो बहुत मेहनत करी है, और आज जो उसका कहते हैं ना, आज एक्चुअली उसका दिन है, और हम लोग सभी उसको विशेष देने के लिए यहाँ पर हैं। और मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में हमेशा जो भी वो करे और जो भी वो चाहे वो खुशियाँ उसको नसीब हों और उस तक वो पहुँचे, एंड शी ट्रूली डिजर्व्स ऑल दैट। सो थैंक यू सो मच सुनील जी, आपने मुझे मंच पर बुलाया, मैं जा रही हूँ। एंड एहसान जी आप शुरू हो सकते हो, आप लोग मेरी तारीफ में कुछ बोल सकते हो। संभावना तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, जोरदार तालियां। संभावना तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया।